हो गया सबका। चले चले, ओके, वेरी गुड। कितने लोग ज्वाइन हुए? वेरी गुड। चलिए आज हम लोगों का वो जो एक बचा हुआ टॉपिक था ना, वो कवर अप करवा के देते हैं हम लोग। सर, उस दिन का भी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था। फर्स्ट डे में जब आपने किया था, वो आईडी के थ्रू हम रिकॉर्ड शेयर करते थे, तो कोई भी यूज़र का रिकॉर्ड हमें दिखता था, बट अगर पर्टिकुलर यूज़र का ही दिखना चाहिए, वो वाला एक बाकी था उसमें से। करते हैं हम लोग। चलिए, इतने लोग कम ज्वाइंट हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए, गुड इवनिंग। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं, आज वही तुम्हारा शेयरिंग रिकॉर्डिंग का देखते हैं हम लोग। ओके, थोड़े टफ होते जाएंगे आप लोगों का। चलिए, अभी मुझे क्या करना है, अभी आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। वो उस दिन का बहुत जनों को तकलीफ गया था, यहाँ पे हम लोग सर, देखते हैं यहाँ स्क्रीन इज पे। नॉट विजिबल। ओके, वेट अ मिनट। नाउ स्क्रीन इज यस सर, विजिबल। ओके, विजिबल। रिकॉर्डिंग ऑन करना था। यस, किया है, ऑन किया है। चलिए, अभी आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे टॉपिक्स, दैट अ न्यू टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड शेयरिंग। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड शेयरिंग। आज मैं थोड़ा फास्ट में पढ़ा देता हूँ, वो एक्चुअली प्रॉब्लम गया था। रिकॉर्ड शेयरिंग इन ऑब्जेक्ट इन ए सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट। ओके, आज हम लोग जो कृतिका के जितने प्रॉब्लम थे वो सभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक रिकॉर्ड है। देखिए, एक यूज़र है और उसके अंदर एक एप्लीकेशन है आपकी। ओके, एक एप्लीकेशन रहेंगे आपके, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेज सिस्टम। यस, एक एप्लीकेशन रहेगी यहाँ पे, सिस्टम। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन रहेगी, उसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा। पहले अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट करता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को बाकी का ऑब्जेक्ट देता हूँ। ओके, अकाउंट नाम का, ये बराबर डायग्राम रखिएगा आप लोग। अकाउंट नाम का एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो इसमें से एक रिकॉर्ड रहेगा। ये रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, ये जो पर्सन रहेगा, ओके, ये रहेगा हर्षा। हर्षा नाम का यूज़र है ये, हर्षा नाम का यूज़र है ये। ओके, और हर्षा ना, और ये इसका जो
प्रोफाइल वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, इतना क्लियर हो गया, ये इसका प्रोफाइल है। तो ध्यान दीजिएगा, कोडिंग आगे आगे से थोड़ा टफ होते जाएगा, तो थोड़ा संभाल के वर्किंग कीजिएगा आप लोग। ओके, ये रहेगा आपका, इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताइए। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, उसको मुझे शेयर करना है कहीं, उसको मुझे शेयर करना है कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मुझे शेयर करना है दूसरे यूजर को, इसको बोलते हैं, इसके दूसरे शेयर को, दूसरे यूजर को शेयर करना है, ये उसका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही रहेगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा आपका। ओके, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये रहेगा, वही इसके अंदर अकाउंट नाम का एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ये अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, म्यूट करो, अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, एक यूजर से दूसरे यूजर को, यहाँ पे वो रिकॉर्ड आपको ट्रांसफर करना है, इज इट क्लियर? तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड शेयरिंग, समझ में आ रहा है? उसके लिए अपन यूज क्या करते हैं, रिकॉर्ड शेयरिंग, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड शेयरिंग। और ये कौन रहेगा आपका, आपके यूजर्स में जाके देखते हैं हम लोग, कोई एक आधा यूजर देख लेते हैं हम लोग, एक सर यूजर देख लेते हैं। यस, कांटेक्ट, हेलो सर, अब बोलिए। इसके अकाउंट की जगह एक दूसरा ऑब्जेक्ट लीजिए ना, कांटेक्ट वगैरह, क्योंकि वो अदर ऑब्जेक्ट के साथ बहुत प्रॉब्लम आता है। हाँ तो मैं बताता हूँ पहले, एक्चुअली इसलिए मैम क्या होता है, इंटरव्यू में आपको कभी कॉन्टैक्ट के साथ कभी काम करने के लिए नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि ये चाइल्ड का ऑपरेशन है, क्योंकि चाइल्ड के थ्रू चाइल्ड और इसका रहता है ना, तो मैं जब आपको चाइल्ड टू पेरेंट ऑपरेशन जब करूँगा ना, तो उस वक्त मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ थोड़े रूल्स अलग लगते हैं। ओके, तो मैं वो क्लियर करवा दूंगा आपको। ओके, यस, सर तो यहाँ, जैसे हमें ऑफिस में वगैरह लाइक उसमें कस्टम पे भी काम करना पड़ता होगा ना, हाँ कस्टम तो मैं ऑब्जेक्ट्स वो भी पे। करवा के देता हूँ, कस्टम में भी करवाते हैं हम लोग कस्टम। देखो, हम लोगों को इंटरव्यू में जाना है तो स्टैंडर्ड के साथ काम करना पड़ता है, और जब प्रोजेक्ट में जाते हैं तब आपको एडमिन के कस्टम के साथ ही काम करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, हाँ हाँ सर, तो इसलिए थोड़ा सा कस्टम का अगर नहीं, नॉलेज हो फिर बाद में वो प्रॉब्लम भी नहीं देते जानी हैं, चाहिए ना। नहीं, वो भी देते हैं, बट कैसा, इंटरव्यू पहले आप लोग को इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है ना, वो भी दिखाता है, मैं सब बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए, हम यूजर देखते हैं, हम लोग एक यूजर को एक्टिव कर देते हैं हम लोग। बहुत स्लो हो गया यार मशीन, कौन सा एक्टिव है, एचओडी एक्टिव है, राहुल कंट्रोल सी, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम लोग सेल फोर्स लॉगिन पे जाते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे सेल फोर्स लॉगिन पे जाते हैं हम लोग, इसको ऑन करते हैं कंट्रोल वी, पासवर्ड डाल देते हैं। अरे यार हेट, चलिए ये हो गया आपका, चलिए ये आ गया आपका राहुल का, इज इट क्लियर? उसके अंदर ये भी अकाउंट ही है, वही मैं बताना चाहता हूँ। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस तरह से रहेगा आपका, तो ये राहुल नाम का लड़का रहेगा, राहुल, ओके, ये राहुल रहेगा, यूजर रहेगा आपका, और एंटर करेंगे, और ये आपका एचओडी प्रोफाइल रहेगा इसका, अभी कोडिंग टफ होते जाएंगे, एचओडी प्रोफाइल रहेगा, प्रोफाइल क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे एचओडी आपका प्रोफाइल रहेगा, इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए, समझ में आ रहा है यस आपको यहाँ पे? अब मुझे क्या करना है, यहाँ का हर्षा का रिकॉर्ड इधर भेजना है आपको, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सेटिंग करना पड़ता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, सेटिंग फॉर रिकॉर्ड शेयरिंग, रिकॉर्ड शेयरिंग। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मुझे ओडब्ल्यूडी में जाके, मुझे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है आपको? क्या
क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा। पहली सेटिंग समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। ओडब्ल्यूडी में जाके अपने को, ओडब्ल्यूडी में जाके आपको अकाउंट के अंदर जाके प्राइवेट करना पड़ेगा। मुझे इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताएं, जब मैं प्राइवेट करूंगा, आपको पता है मैंने शेयरिंग एंड सिक्योरिटी में पढ़ाया था, जब भी मैं प्राइवेट करूंगा तो उसके बाद क्या होगा, जिस यूजर का डाटा सिर्फ उसी को दिखेगा। यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको? अरे हो कि नहीं? ओके, यस सर, तो चलो पहली यस स्टेप सर, हम लोग, फर्स्ट स्टेप देखते कि हम लोग जाके ओडब्ल्यूडी में जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग वापस से सेटिंग में जाते हैं, हम लोग सेटअप में जाते हैं, पहली स्टेप करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोग शेयरिंग सेटिंग में जाते हैं हम लोग, यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ शेयरिंग में जाते हैं हम लोग, एडिट करते हैं हम लोग यहाँ पे, और आपका ये अकाउंट में कोई दूसरा वैल्यू रहेगा आपका। ओके, तो इसको प्राइवेट करूँगे आप लोग। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? ओके, प्राइवेट। अरे तिकड़े होने यार, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट के अंदर प्राइवेट करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? कोई दूसरा फील्ड होंगे तो प्राइवेट में लेके आओगे, उसको सेव करूंगे आप लोग। सेव नहीं होगा, दो तीन बार उसको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी, देखो अपॉर्चुनिटी ध्यान दीजिएगा, तो ये इसके साथ अटैच रहता है। अब आपको नहीं पता वो फील्ड, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। तो अकाउंट के लिए अपन प्राइवेट कर देंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बता, और इसको अपन सेव कर देंगे। उसको दो तीन बार सेव करना पड़ेगा आपको, तब से हो जाएगा। तो ये प्राइवेट हो गया मेरा। यस, तो पहला मेरा वर्क हो गया आपका। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस, इज इट क्लियर? यस ओके, तो चलिए अभी मुझे क्या करना है, वर्क करना है मुझे। तो उसके लिए मेरे पास नहीं, क्या एक कोड रहता है, अवेलेबल कोड रहता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे अपने को एक कोड रहता है, वो अपन देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने आपको क्लियर किया, क्या किया हम लोगों ने, एक राइट ट्रिगर टू शेयर द न्यू क्रिएट अकाउंट विथ अ यूजर। तो अपने को देखो, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट करके है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, शेयर करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर के रिकॉर्ड को मुझे शेयर करना है। ओके, लेकिन अभी मैं आपको बताता, इवेंट आफ्टर क्यू रहेगा और ऑपरेशन इंसर्ट क्यू रहेगा। तो सेकंड अपन पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देंगे हम लोग, आफ्टर इवेंट, आफ्टर इवेंट ये कैसे रहता है, क्यों रहता है, मैं बताता हूँ आपको। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सेलफोर्स है, ये सेलफोर्स सर्वर है, या सेलफोर्स का डेटाबेस समझ लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेलफोर्स का डेटाबेस है, आपका डेटाबेस, डेटाबेस मतलब जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा। क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? इतना क्लियर हो गया, यस यस जहाँ पे सर, आपका डेटा स्टोर होगा। इज इट क्लियर? यहाँ डेटा स्टोर होगा आपका। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कौन, अपनी मैम, क्या नाम है इसका, हर्षा, हर्षा नाम का जो यूजर है, हर्षा नाम का जो यूजर है आपका, हर्षा नाम का जो यूजर है, वो क्या करेगा, एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। कौन सा, अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, जो भी अकाउंट है उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, अकाउंट रिकॉर्ड, एक क्या करेगा, अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया आपको? और यहाँ पे अपन एक सेव नाम के बटन देंगे। ओके, ये अपन एक सेव नाम के बटन दे दिया, म्यूट करो, म्यूट करो। अकाउंट नाम का रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, जैसे ही वो अकाउंट नाम का रिकॉर्ड करेगा, वो पहले क्या होगा, इंसर्ट होगा। कहाँ पे इंसर्ट होगा, आपका सेलफोर्स डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे वो क्या करेगा, इंसर्ट होगा। समझ में आ रहा है? इंसर्ट होने के बाद वो क्या करेगा, ट्रिगर के पास जाएगा। समझ में आ रहा है कि आपको, पहले वो क्या होगा, वो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ओके, उसके बाद वो ट्रिगर के पास जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे उसके बाद वो क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा, आपका ट्रिगर के पास जाएगा।
इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर इंसर्ट। है तो उसमें ऐसा कंडीशंस लिखा हुआ रहता है क्या नहीं ना कि मैडम, पहले कैसे? ट्रिगर चलाना है? अच्छा नहीं, कैसे रहेगा? पहले आपका रिकॉर्ड जो भी रहेगा वो रिकॉर्ड पहले सेलफोर्स में जाके स्टोर होगा, उसके बाद वो ट्रिगर के पास जाएगा, ओके? इसलिए इसको आफ्टर इंसर्ट बोलते हैं। बाद में ये ट्रिगर क्या करेगा, ये ट्रिगर क्या करेगा, इसके अंदर अपन लॉजिक लिखेंगे, ओके? बाद में वो क्या करेगा, ये ट्रिगर क्या करेगा, वो रिकॉर्ड दूसरे यूजर के पास स्टोर करेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? ओके ओके, रिकॉर्ड बनने के पहले ही वो स्टोर नहीं कर रहा, पहले वो रिकॉर्ड बनेगा, वो बाद में सेलफोर्स में जाके स्टोर होगा, बाद में वो नहीं क्या ट्रिगर के, बाद में वो किसके पास जाएगा आपका, बाद में वो ट्रिगर के पास जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं आफ्टर इंसर्ट। बाद में ट्रिगर क्या करेगा, वो रिकॉर्ड किसको भेजेगा, वो रिकॉर्ड भेजेगा राहुल नाम के यूजर को। समझ में आया क्या आपको? यस सर अभी इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ? क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इसलिए उसको बोलते हैं आफ्टर इंसर्ट ऑपरेशन। समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके, हाँ सर वो अब क्लियर है, बट मेरा ये क्वेश्चन था जैसे यस लाइक अभी अपने को जैसे कंडीशंस पता है कि हमको ये करना है, तो ऐसी कंडीशंस दी जाती है क्या प्रोजेक्ट में लाइव जब नहीं ना प्रोजेक्ट मैडम, चलता है जब तब? कैसे रहेगा मैम आपका, नहीं क्या आपको एकदम सब्जेक्टिव पे जा रही है? मैम मुझे एक रिकॉर्ड दूसरी जगह पे भेजना है, ओके? इसमें कोई है ही नहीं ना मैम, पहले वो रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड, मुझे एक रिकॉर्ड दूसरे यूजर के पास जाना पड़ेगा, तो वो पहले वो रिकॉर्ड क्या होगा, सेव होगा ना, उसके बाद उसको उठा के दूसरी जगह पे जाएंगे, लेके जाएंगे ना, यस और नो? तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशन है ही नहीं ना, वो तो एक ही कंडीशन है इसके अंदर, ओके? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या ओके रहेगा उसमें, देख ऐसा कुछ है ही नहीं ना मैम कंडीशन के लिए, मुझे एक रिकॉर्ड, हर्षक नाम का रिकॉर्ड मुझे राहुल के यूजर के पास लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हर्षा का पहले रिकॉर्ड सेव रहेगा करना वो पहले पड़ेगा। सेव होगा, तब सेलफोर्स को पता चलेगा ना कि ये रिकॉर्ड अवेलेबल हो गया करके, उसके बाद वो यस ट्रिगर के पास जाएगा, समझे आपके? बाद में वो ट्रिगर क्या करेगा, राहुल के पास भेजेगा, ओके? वो सेलफोर्स के पास आएगा ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड को मुझे किसी और जगह पे ट्रांसफर करना है, उसके पास आएगा तभी वो भेजेगा ना, इसलिए अपन ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट बोल रहे हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? यस, क्लियर हो गया यस आपको? अभी इसमें कुछ स्टेप्स रहती है। अब देखिए, मुझे इसका रिकॉर्ड इसके पास भेजना पड़ेगा आपको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका आईडी लगना लगेगा आपका, इसका आईडी लगेगा, ये अकाउंट का रिकॉर्ड का आईडी रखेगा, आईडी ऑफ रिकॉर्ड लगेगा मुझे। क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, अरे यस सर समझे क्या आप लोगों को, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा है यार। यस ओके, सर देखिए मुझे ये रिकॉर्ड का आईडी, देखो हर्षा के अंदर एक रिकॉर्ड है ना, उस रिकॉर्ड को मुझे भेजना है राहुल की, इसमें भेजना है, तो पहले जिस रिकॉर्ड को भेजना है उसका आईडी लेना पड़ेगा मुझे, ओके? बाद में किसको भेजना है, मुझे राहुल को भेजना है, तो मुझे किसका बिल्कुल आईडी चाहिए, ओके? यूजर आईडी चाहिए मेरे पास, यस और नो? यूजर आईडी चाहिए मुझे, ओके? तो ये दोनों चीजें मुझे लगेंगी, पहली चीज। उसके बाद क्या होता है, जब भी अपन शेयरिंग करते हैं तो सेलफोर्स क्या करता है, फॉर शेयरिंग, ओके? जब शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, तो उस वक्त क्या करता है, सेलफोर्स एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाता है, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड के लिए एज वेल एज कस्टम के लिए। काय दलर तुझे, तो यहाँ पे देखिए शेयरिंग, शेयरिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ओके? शेयरिंग रिकॉर्ड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में शेयरिंग करना है, ध्यान दीजिए। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे शेयरिंग रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे दो रिकॉर्ड के बीच में, ओके? तो उसके लिए क्या होता है, सेलफोर्स सेपरेटली ऑब्जेक्ट यूज करता है, सेपरेटली ऑब्जेक्ट यूज करता है, जनरली अपन अकाउंट यूज करते हैं हम लोग, ओके? तो ये अपन नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जब अकाउंट यूज करते हैं हम लोग, लेकिन यही मुझे शेयरिंग के लिए यूज करना है ना, तो दैट टाइम आई यूज अकाउंट शेयर शेयर नाम का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैं नहीं बनाता, ये सेलफोर्स ने बना के रखा हुआ है, ओके? मुझे लीड नाम के ऑब्जेक्ट के साथ शेयरिंग करना है, तो सेलफोर्स क्या करता है, सेपरेटली बना के रखता है, ओके?
लीड शेयर नाम से। मुझे नॉर्मल ऑपरेशन करना है ना, तो दैट टाइम आई यूज अ लीड ऑपरेशन। ओके, बट मुझे जब कोडिंग के साथ काम, मुझे एक रिकॉर्ड लीड का दूसरे रिकॉर्ड में शेयर करना है, ऐसे वक्त मैं क्या यूज करूंगा, लीड शेयर यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही मेरे पास कस्टम के लिए रहेगा, जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ओके, इसको जब अपने को भेजना है तो उसके लिए सेपरेटली सेलफोर्स बना के रखता है, कौन सा, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर नाम का यूज किया जाता है। तो ये सेलफोर्स खुद ही बनाता है। ओके, हम नहीं बनाते, वो ऑटोमेटिकली खुद ही बना लेता है। इज इट क्लियर? तो जब मुझे नॉर्मल ऑपरेशन करना है तो दैट टाइम आई यूज अ स्टूडेंट डिटेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। बट मुझे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब दूसरे स्टूडेंट के अंदर मुझे ट्रांसफर करना है तो दैट टाइम आई यूज अ शेयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर शेयर। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। स्टाफ का रिकॉर्ड भेजना है तो स्टाफ डिटेल अंडरस्कोर स्टाफ अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर सी, लेकिन वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए वर्क करना है, तो इज इट क्लियर? उसके बाद मुझे क्या करना है, उसको भेजना है शेयरिंग के लिए। तो सेलफोर्स अपन ये शेयर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते नहीं, वो पहले से ही बना हुआ रहता है, सेलफोर्स बना के रखते हैं। जब भी अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ना इंटरनली, तो वो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, लेकिन वो दूसरा भी एक ऑब्जेक्ट यूज करता है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर नाम का। ओके, तो जब मुझे दोनों के बीच में शेयर करना है तो दैट टाइम आई यूज दिस ऑब्जेक्ट। ओके, और नॉर्मल ऑपरेशन करना है तो मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? यस, इज इट क्लियर? ओके, तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है, उसके लिए मेरे पास एक सेपरेट कोड रहता है। ओके, अब ये कोड मुझे नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं आता है मुझे कोड, लेकिन मुझे किसी ने कंपनी ने बोला है कि यू वॉन्ट टू शेयर वन रिकॉर्ड डेटा टू द अनदर रिकॉर्ड। अभी कृतिका ने मुझे बोला था कि सर ये तो अकाउंट के बारे में बोल रहे हैं, मुझे कॉन्टैक्ट के बारे में बताओ ना, मुझे लीड के बारे में बताओ, तो मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो इसको देखो, कंसेप्ट क्लियर है कि आपको, लॉजिक क्लियर है ना? तो कोड मिल जाता है नेट के ऊपर, कोड मिलता है बेटा, कृतिका कोड मिलता है। अब मुझे अपन देखते हैं कि अपन अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मुझे एक लीड का डेटा मुझे किसके साथ, दूसरे लीड यूजर के लीड के साथ मुझे ट्रांसफर करना है। तो चलो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एसएफडीसी डैश पे ट्रांसफर शेयर रिकॉर्ड ऑफ लीड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू टू अनादर अदर यूजर। ओके, कोड फॉर या ट्रिगर कोड लिखो यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लॉजिक आपको पता नहीं रहेगा ना तो मतलब ही नहीं रहेगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको 10 बार कंपनी में जाना, इट इज वेरी टफ। ओके, बट जब आप कंपनी में काम करते हो ना, इट इज वेरी इजी। आपको लॉजिक क्लियर है ना? लॉजिक क्लियर है? देखो ये शेयर करो, बहुत नोट बहुत यहाँ पे अवेलेबल है। सेल्फोर्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेल्फोर्स इसके कारण ही बढ़ रहा है, कम्युनिटी इसकी बहुत अच्छी बन रही है, और जितने भी जावा में काम करने वाले लोग हैं ना, ये सब अभी सेल्फोर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जितने भी कोडर्स हैं ना, वो सब कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा कोडिंग दिया हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं कोडिंग लिखा रहता है आपका। ओके, ये दिया रहता कोडिंग, देखो ये कोडिंग दिया रहता आपको, तो ये कोडिंग आपको मिल जाता कहीं ना कहीं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और इजी कोड जी अभी आपको समझ में आना चाहिए। अभी कैसा, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ जस्ट कॉन्टैक्ट का, मतलब अकाउंट का। देखो कॉन्टैक्ट का दिया हुआ है इसमें, ये देखिए। तो ऐसे वक्त क्या होता है, आप लोगों को देखना है, देखो लीड के बारे में, लीड तो यहाँ पे सब दिया रहता है, सब अपने को अपने पढ़ना पड़ता है, ये अपने ढूंढना पड़ता है आप लोगों को। तो इस तरह से मिल जाता है, कंसेप्ट सिर्फ याद रखिएगा, आपको क्या कंसेप्ट चाहिए। तो चलिए, ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लिसन हियर, अभी हम लोग वर्किंग देखते हैं। तो मेरे पास एक कोड है अवेलेबल,
तो वो कोड के बारे में अपन देखते हैं क्या रहेगा। तो डेवलपर कंसोल में जाते हैं हम लोग। मिनट, फाइल में जाते हैं हम लोग, ओपन में जाते हैं हम लोग, ट्रिगर्स में जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे अपने क्या किया था, रिकॉर्ड अकाउंट रिकॉर्ड शेयर, चलो इसको क्लिक करते हैं हम लोग। ओके, मैं ये कुछ नहीं किया, इतना रिकॉर्ड में ले लेता हूँ, ध्यान दो, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ओके, फिलहाल अपन बनाएंगे नया, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अरे तिकड़े दा रे बेटा, तिकड़े दा रे, ये पावर से करना, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। चलिए ओके, इसको हम लोग निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं हम लोग। ओके, ये रिकॉर्ड में ले लेता हूँ। वेट ए मिनट, चलिए ये आपका रिकॉर्ड है। चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे इस रिकॉर्ड को क्या कैसे वर्क करते हैं। तो पहले पहले देख लेते हैं, बाद में आपको समझा देता हूँ, चलेगा आपको? यस। अभी देखिए मैंने क्या बोला है यहाँ पे, आपको कंसेप्ट क्लियर कीजिए बस। अब मुझे क्या करना है, एक जगह से, एक ऑब्जेक्ट से मुझे दूसरे, एक यूजर से मुझे दूसरे यूजर में जब मुझे रिकॉर्ड ट्रांसफर करना है, तो ऐसे वक्त मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी अकाउंट के साथ काम करना है, तो मेरे पास एक मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मेरे पास क्या रहेगा, एक अकाउंट शेयर नाम का, अकाउंट शेयर नाम का मेरे पास एक रहेगा शेयर। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए इसको मुझे इसका एक इंस्टेंट बनाना पड़ेगा। ओके, ए एस इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। सर हाँ बोलो। ये नया इंस्टेंस अपन इसलिए बना रहे क्या, क्योंकि अपन मतलब नए रिकॉर्ड के साथ में काम कर रहे। नहीं, मैं अकाउंट का रिकॉर्ड, हर्षा का रिकॉर्ड मुझे कहाँ पे ट्रांसफर करना है, स्टूडेंट केस में ट्रांसफर करना है। क्लियर हुआ क्या आपको? इज इट क्लियर? तो वो हाँ रिकॉर्ड मुझे ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, स्टैंडर्ड एक अकाउंट शेयर नाम का मुझे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, अब मैं बोलूंगा कि हर्षा नाम के अंदर का एक लीड नाम का ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर का रिकॉर्ड मुझे राहुल नाम के यूजर के पास भेजना है। कौन सा भेजना है, लीड का भेजना है। तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लीड शेयर नाम का ऑब्जेक्ट यूज करना, लीड शेयर नाम का क्लास यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि हर्षा नाम के यूजर से वो अकाउंट नाम का रिकॉर्ड मुझे इधर भेजना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो क्या करता है, वो एक बैरियर, ये एक फ्लोटिंग, मतलब इसको एक पाथ के समान यूज करते हैं इसको। ओके, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे अकाउंट शेयर नाम का। इज इट क्लियर? तो इसीलिए वही, मतलब नया ऑब्जेक्ट हाँ अपने कोई को भी, क्रिएट अभी करना मुझे पड़ता। स्टूडेंट के अंदर का, स्टूडेंट डिटेल के अंदर का रिकॉर्ड मुझे राहुल की तरफ भेजना है। क्लियर हो गया? तो उस वक्त मैं क्या यूज करूंगा, स्टूडेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर सी डिटेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, उसका एक इंस्टेंट बना दूंगा, बाद में न्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर, क्योंकि वो क्या करता है, इट इज अ पाथ। हम लोग एक, अपन क्या करेंगे, हर्षा के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, वो रिकॉर्ड किसको देंगे, ये अकाउंट शेयर नाम के क्लास के पास दे देंगे। बाद में ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे पूछा देगा। इसी के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। हाँ सर, वो ओके, स्टेटमेंट क्लियर हो गया, लेकिन जो अपन इंस्टेंस बनाते हैं तो यूजुअली जब भी अपन नया रिकॉर्ड भेजते हैं तो तब अपने को इंस्टेंस क्रिएट करना ही पड़ता अरे है ना भाई इनका। नया रिकॉर्ड कहाँ भेज रहे बेटा, रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड, मैंने क्या बताया आपको, दे वो पाथ क्रिएट कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, दोनों के बीच में रिकॉर्ड पहले से बना हुआ है, ये रिकॉर्ड मुझे राहुल के पास भेजना है, तो मुझे यहाँ से यहाँ भेजने के लिए एक पाथ चाहिए ना। ओके, एक कंटेनर चाहिए ना मुझे,
ये डेटा अकाउंट का रिकॉर्ड का डेटा इस कंटेनर में डालूंगा और वो यहाँ पे पहुंचा दूंगा, समझ में आ रहा है। उसके लिए हम लोगों ने अकाउंट चेयर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्लियर हुआ क्या आपको? ओके चलिए, ये हो गया आपका अकाउंट शेयर ACC, क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताओ? ये लाइन नहीं बोलना है तो अभी मैं पूछूंगा भी नहीं एक को भी, अभी मैं फटाफट पढ़ा देता हूँ। अब तुमको इतना उपकार लग रहा है कि ये यस बोलने के लिए, तो जाने दीजिए ना, मुझे समझा नहीं समझा आपका लुकआउट रहेगा। अब देखिए कैसे प्रोफेशनल लोग लोग कैसे पढ़ाते हैं ना, वो पढ़ाता हूँ अभी। ये ऑब्जेक्ट बन गया ACC शेयर नाम का डॉट, अभी ACC ID, ये ACC ID क्या रहता है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये ACC ID रहता है आपका, ये हर्षा नाम का जो अकाउंट रहता है ना उसके रिकॉर्ड का रहता है, क्लियर हो गया आपको? वो कौन सा रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ये रिसेंटली जाते हैं हम लोग, अभी अकाउंट में जाते हैं हम लोग, अकाउंट में जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, इज इट क्लियर? यहाँ पे ऑल यूज करते हैं हम लोग, ऑल अकाउंट यूज करते हैं हम लोग, और बाद में हम लोग यहाँ पे एक चालू कर देते हैं इसको, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। ओके यहाँ पे ऑल अकाउंट कर देते हैं हम लोग, गो करते हैं हम लोग, तो उसको देखिए ये चार ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब ये कौन से रिकॉर्ड है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये अपन ने ऐड किए हुए रिकॉर्ड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डिलीट कर देते हैं हम लोग। ये डिलीट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये सादे बात नहीं होते ट्रिगर। चलिए अकाउंट पे जाते हैं हम लोग, ऑल पे जाता हूँ मैं, सेटिंग पे जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंट ओनर नेम डाला हुआ है ना, यहाँ पे एस जोड़े दिया हुआ है, वेट अ मिनट, अकाउंट ओनर फर्स्ट नेम ऐड करो इसके अंदर, बाकी निकाल दो इसको। ओके सेव इट। ये देखो हर्षा नाम ने बनाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको पूरे हर्षा के रिकॉर्ड से, यस हो गया आपको? सर, यस, ये अपन ने चार रिकॉर्ड बनाए थे, ये याद आता होगा, तो इसको अपन डिलीट कर देंगे ना अभी, तो वो रिकॉर्ड वहां दिखेंगे नहीं। क्या है मालूम नहीं, ये देखिए ये डिलीट कर देते हैं हम लोग चार रिकॉर्ड यहाँ से, क्योंकि ये हर्षा के रिकॉर्ड है, डिलीटेड, वेट अ मिनट, ओके डिलीटेड। चलो ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया मैंने, अभी यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दी, प्राइवेट होने के कारण क्या होगा यहाँ पे रिकॉर्ड दिखेगा ही नहीं। ओके अभी एक न्यू रिकॉर्ड बना देता हूँ मैं, ये कौन बना रहा है, राहुल बना रहा है। ओके एक अपन अंकुश नाम का रिकॉर्ड बनाएंगे, एक्टिव है क्या वो बता देंगे, यस, नीचे जाएंगे क्योंकि ये कंपलसरी होता है तो फिलअप करना पड़ता है, गोल्ड, सेव कर देंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे दो रिकॉर्ड बने होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे ऑल कर देते हैं, गो कर देते हैं, यहाँ पे देखिए दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं, एक हर्षा ने बनाया हुआ है, एक राहुल ने बनाया हुआ है। क्यों दिख रहे हैं मालूम है क्या आपको, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमने प्राइवेट कर दी थी प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट में क्या होता है जिसका रिकॉर्ड उसी को दिखेगा, इज इट क्लियर? अपन ये निखिल को भी डिलीट कर देता हूँ मैं अभी, ध्यान दीजिएगा निखिल का ही है क्या यहाँ पे, निखिल ट्रिगर ये वाला रिकॉर्ड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हर्षा नाम से बना हुआ है, अभी आपको क्लियरिफाइड हो जाएगा आपका। चलिए ओके चलो इसको जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए अभी आपको, क्योंकि हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या होता है राहुल को राहुल के रिकॉर्ड दिखेगा और इसको अपने रिकॉर्ड दिखेंगे हर्षा को, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? ओके यस सर, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मुझे क्या करना है, अकाउंट का नया रिकॉर्ड बनाता हूँ मैं, एक अकाउंट का नया रिकॉर्ड बना देता हूँ, किस नाम से बनाता हूँ, कृतिका, कृतिका, ओके कृतिका है ना कि कृतिका है, कृतिका, कृतिका ओके कृतिका है, यहाँ पे ट्रिगर दे देते हम लोग, ट्रिगर शेयर नाम का मैं दे देता हूँ। ओके रेटिंग अपन दे देते हैं वार्म, इज इट क्लियर? म्यूट करो इसको, अपन सेव कर देते हैं। चलिए ये रिकॉर्ड मेरा बन गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ये कृतिका का रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया, दिख रहा है आपको? ओके अब ये रिकॉर्ड मुझे किसको भेजना है, राहुल को भेजना है, यस और नो?
समझ में आ रहा आपको? यस क्लियर हो सर, गया आपको? ध्यान यस दीजिएगा, जिसका रिकॉर्ड मुझे भेजना है वो रिकॉर्ड का आईडी मुझे यहाँ पे देना पड़ता है। म्यूट करो यार, यहाँ पे देना पड़ता है। तो अभी मुझे कृतिका का रिकॉर्ड मुझे भेजना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड ले लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे, ये आपका कौन से वर्जन में रिकॉर्ड बताओ, ये रिकॉर्ड जो है मेरा किस में है, ये मेरा लाइटनिंग में। तो लाइटनिंग में एटीन लाइटनिंग एटीन डिजिट्स आता है, क्लियर हो गया आपको? तो वो रिकॉर्ड 18 डिजिट्स आता है, तो यहाँ पे अपन उसको दे देते हैं। यहाँ पे म्यूट करो रे, यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ जाता है, क्लियर हो गया आपको? लेकिन वो 15, तो याद रखिएगा कभी भी स्टार्ट लास्ट की जो, अरे यार म्यूट करो ना यार, ट्रिगर के वक्त ना मजाक मजी मत करो यार। तुम सीरियसली बैठना है तो बैठो यार, नहीं बैठना है मत बैठो यहाँ पे। तो ये देखो, ये ट्रिगर रहेगा आपका, ये आपका आईडी रहेगा, ये आईडी यहाँ पे अपन दे देंगे, 15 डिजिट आईडी। काउंट करो बरे, 15 डिजिट है क्या? चलो इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। यस ओके। यस अभी सर, देखो, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी होता है आपको, कभी कभी नहीं समझ में आता है कि हम लोगों को क्लियर नहीं होता है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या होता है, नहीं जमता है ये 15 डिजिट आईडी, क्योंकि लाइटनिंग वर्जन में होने के कारण 18 डिजिट आईडी रहती है। तो कभी कभी अपन क्या करेंगे, क्लासिक वर्जन में जाने का, ध्यान दो, सेटिंग में जाके क्लासिक वर्जन में जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए। ओके, यहाँ पे अकाउंट है ना अपना, दिख रहा है अपना अकाउंट, ये अकाउंट पे जाएंगे हम लोग। अकाउंट में जाने के बाद गो कर देना आप लोग, और यहाँ पे देखो कृतिका का रिकॉर्ड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कृतिका का रिकॉर्ड कहाँ गया रे, सबसे लास्ट में, ये कृतिका टिगर चेयर, इसको रिकॉर्ड को क्लिक करना। आ गया कृतिका का रिकॉर्ड, दिख रहा है आपको, ऊपर देखो सर। दिख रहा है, ये आईडी को कवर ले लेना, ये आईडी को ले लेना। ओके हो गया, बाद में स्विचिंग टू लाइटनिंग में आ जाना आप लोग। ओके, तो यहाँ पे भी आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आप लोगों को देखना सेम रिकॉर्ड आईडी है ये और ये, देख तब जाके 15 डिजिट रिकॉर्ड आईडी मिल जाएगा। ऐसे भी लेके आ सकते हो, लेकिन कभी कभी पता नहीं रहेगा ना आगे के पीछे 3 रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है कि पीछे के 3 रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, हम लोग क्लासिक में जाएंगे, क्लासिक में 15 डिजिट ही रिकॉर्ड मिलता है, 15 डिजिट आईडी मिलता है, और एल्डर लाइटनिंग में 18 डिजिट मिलता है। क्लियर हो गया आपको इतना? अभी यस मैं, सर, अभी मुझे ये मुझे रिकॉर्ड, यस यस मुझे ये रिकॉर्ड यहाँ पे मुझे भेजना है। शीतल मैम, प्रियंका मैम, समझ में आ रहा है ना आपको? अब ये रिकॉर्ड मुझे क्या भेजना है, मुझे मुझे राहुल नाम के यूजर को भेजना है। ओके, राहुल नाम के यूजर को भेजना है, तो इसका यूजर आईडी चाहिए मेरे को, तो वो यूजर आईडी जो रहता है ना मेरा, वो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। ओके, राहुल नाम का यूजर आईडी, तो अब मुझे राहुल नाम का यूजर आईडी निकालना पड़ेगा। अब देखो कोडिंग में कुछ है नहीं, लेकिन मुझे इधर उधर जाके आपको बताना पड़ता है, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर? तो मुझे देखिए यहाँ पे क्या करूंगे, अभी जाऊंगा यहाँ पे तो वही 18 डिजिट का आएगा, तो मैं क्या करूंगा, सेटअप पे जाता हूँ, स्विच टू क्लासिक मोड में जाता हूँ, मतलब मैं हर्षा को कन्वर्ट करता हूँ क्लासिक के अंदर, समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेटअप पे जाते हैं हम लोग, ध्यान दो, सेटअप पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग नोट करो रे, यूजर पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे ये यूजर पे जाते हैं हम लोग। यूजर पे जाने के बाद देखो राहुल नाम का है ना, ये राहुल यही है ना एचओडी, इसको क्लिक करते हैं हम लोग। जब इसको क्लिक करेंगे ना हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको जब क्लिक करेंगे हम लोग, ओके राहुल नाम को, तो यहाँ पे देखो आईडी मिलेगा। म्यूट करो, म्यूट करो, कौन है यार, मालूम नहीं यार, अदिति अंकुश का ये बंद करो बरा। यस ओके ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, तो आपको जो आईडी मिलेगा ना, वो आईडी आपका यहाँ पे मिलेगा, देखिए वो शेयरिंग में जाते हैं हम लोग, कहाँ गए यार, वही तो अभी ये हो जाता है ना, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ऊपर दिख रहा है आपको आईडी, तो ये आईडी अपन कंट्रोल सी यूज करेंगे, इसको ले सर, लेंगे हम लोग और वो लेके जाएंगे यहाँ पे, और वो आईडी अपन यहाँ पे दे देंगे। इज इट क्लियर? देखो आपको सेम आईडी है उसका, सेम यस सर। आईडी है ना आपका, तो ये 18 डिजिट मिल जाता है।
मेरा काम हो गया इसका आईडी का, तो अपन लाइटनिंग वर्जन में वापस आ जाएंगे। यही मिला रहता मुझे, किसमें मिला रहता मुझे, अपने वर्जन में मिला रहता। देखो आपको देखना है कि आपको, तो ये देखो लाइटनिंग वर्जन में है आपका, ये देखिए इसको क्लिक करो आप लोग, आ जाएंगे आपको, तो यहाँ पे मिलेगा वो, ये देखो मिल रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन ये जब काउंट करेंगे ना कंट्रोल सी, तो आप ध्यान दीजिएगा, ओके यहाँ पे देखिए, तो ये सेम है इसलिए मैंने इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको वापस डैश करता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ, देखिए तो एक्स्ट्रा आ रहे 17 डिजिट आ रहे हैं ना आपको, देखिए। यस क्लियर हुआ क्या आपको? ओके तो यस क्लासिक में सर जाके लेंगे ना आपको, तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। ओके तो ये आ गया, आप जिसको भेजना है उसको आ देंगे। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट जो रहेगा आपको, मुझे ये रिकॉर्ड तो मैंने पास कर दिया राहुल के पास, तो ये जो है ना अकाउंट शेयर नाम का, ये कंटेनर होता है, ध्यान दीजिएगा ये क्या रहता है, कंटेनर रहता है, कंटेनर रहता है आपका, ये कंटेनर रहता है अकाउंट शेयर। तो ये रिकॉर्ड क्या होता है आपका, ये रिकॉर्ड अपन इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर डालते हैं, बाद में ये रिकॉर्ड अपन यहाँ पहुंचाते हैं, इसलिए अपन इसका यूज करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। ओके अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब ये डेटा तो मैं भेज दूंगा राहुल के पास, तो मुझे ये डेटा सिर्फ रीड करेगा वो, इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, क्लियर हो गया? ओके तो मुझे रीड करने के लिए तो मुझे वो फैसिलिटी देना पड़ रहा है, ACC शेयर डॉट अकाउंट एक्सेस लेवल रीड, मुझे उसको राइट की भी परमिशन देना पड़ेगा, एडिट की भी परमिशन देना, तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे रीड राइट दे सकता हूँ। समझ में आ गया क्या आपको? यहाँ पे बताइए। ओके बाद में आप, नहीं, देखो बेटा रीड है तो रीड ही देगा, राइट करेंगे तो वो रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, दोनों भी करेगा ना, यस और नो, समझे क्या? हेलो, एट ए टाइम हम दो दे सकते हैं ना सर, ऐसे कॉमा नहीं करके। नहीं नहीं दे सकते। ओके रीड करेगा तो सिर्फ रीड करेगा, राइट करेगा तो रीड और राइट दोनों भी लेगा ना, समझ में आ रहा है? ओके इसलिए रीड की कोई जरूरत नहीं थी, जब एडिट करते हैं तब पहले रीड करेगा तभी एडिट करेंगे ना। कृतिका के स्पेलिंग में, कृतिका ने कल मेरे को बताया था कि मैं KRI लिख रहे थे, तब वो रीड करेंगे तभी जाके उसको समझेगा ना, तभी जाके वो एडिट कर सकती है ना, डिलीट नहीं होता, डिलीट नहीं, लेवल एक्सेस है ना बेटा, लेवल एक्सेस में दो ही चीजें रहती है, रीड और राइट, समझ में आ गया? अपने को रिकॉर्ड डिलीट करना है क्या? नहीं ना, हमको आगे वाले को रिकॉर्ड सिर्फ रीड करने की परमिशन देना है या राइट करने की परमिशन देना है या एडिट करने की परमिशन देना, वो रहती है लेवल सिक्योरिटी, क्लियर हो गया आपको? उसके बाद देखिए ये एक्सेस रोल ये रहेगा, ये आपको नेट के ऊपर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे भी इसका मीनिंग आज तक नहीं पता चला क्या है। तो ओके बाद में जो ACC शेयर डॉट अपॉर्चुनिटी यूनिटी एक्सेस लेवल रीडिंग, तो ये आपको अटैच करना पड़ता, नहीं किया मैंने तो मेरे को एरर आती थी। ओके तो जिसको भेजना था, जो रिकॉर्ड भेजना था वो यहाँ आ गया, जिसको भेजना था वो यहाँ आ गया, बाद में रीड करेंगे हम लोग। ओके बाद में इस तरह से वर्क करेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करने के पहले आप लोग चेक कर लो यहाँ पे कृतिका का रिकॉर्ड है क्या, है क्या? नहीं है। नहीं नहीं ओके अपन अपन ओके कोड को टेस्ट कर रहे हैं। ओके चलो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट होगा, चलो एग्जीक्यूट हो गया, मतलब वो रिकॉर्ड कृतिका के पास, ये रिकॉर्ड चला गया, देखिए कृतिका का रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा, आ गया आपका, यस मेरा कोड क्लियर है, इज इट क्लियर? ओके तो अभी अपन क्या करते हैं, इसका ट्रिगर बनाते हैं, लेकिन ये जनरलाइज ट्रिगर है, जनरलाइज ट्रिगर का मतलब मैं ये अभी ट्रिगर में डाल दिया यहाँ पे, दिख रहा है आपको, एक ट्रिगर मैंने पहले ही पहले से बना के रखा था, ट्रिगर अकाउंट रिकॉर्ड शेयर ऑन अकाउंट, ओके आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट, इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ, नहीं कंफ्यूज है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये वाला, सर आफ्टर अपडेट बताओ। बता रहा हूँ आपको, आफ्टर अपडेट सेम रहता, कोई ऑपरेशन कुछ नहीं, तो आफ्टर इंसर्ट अपन दे देते, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस हेलो। यस सर ओके मैंने सेम कोड यहाँ पे यूज किया, मैंने सेम कोड कहाँ पे यूज किया, मैंने यहाँ पे मैंने यूज कर दिया है, इज इट क्लियर और नॉट जस्ट टेल मी, क्लियर हो गया यस आपको यहाँ पे? ओके सर अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो, हाँ बोलिए। आपने जो ये 10th लाइन पे लिखा है अपॉर्चुनिटी एक्सेसिबल, तो जब हम अकाउंट पे काम करें तो अपॉर्चुनिटी हाँ एक्सेसिबल हो जाए। एक्चुअली कभी कह रहते हैं इंटरनली वो अटैच है, समझ में आ रहा है, इंटरनली अटैच है इसलिए हम लोग उसको एक्सेस दे रहे हैं, मैंने नहीं दिया ना तो देखो बेटा क्या होता है। तो अब मुझे भी इसका ये नहीं था, लेकिन आजकल इंटरनली क्या अटैच है मुझे आई डोंट नो, बट अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, वो एरर शो करता है, देखना।
ओके, जब इसको अपन वर्क करेंगे ना तो एरर देता है वो। ओके, अभी उसने सेव तो कर दिया यहाँ पे रिकॉर्ड, लेकिन जब अपन एग्जैक्टली रिकॉर्ड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे ना यहाँ पे तो एरर दे देता है वो, इसलिए उसमें देना जरूरी है आपको। ओके, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। वो एरर आई थी तब हमने वो कोड निकाला और उसमें डाल दिया। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस, एनी डाउट? दो ये भी आप पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए कि नेट के ऊपर पढ़ो, मुझे नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि एक्चुअली वो कोई पूछता नहीं आपको, आपको सिर्फ कोडिंग के लिए पूछता है, ये कभी इंडिविजुअल नहीं पूछते। तो आप तो कल, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, तो आप पढ़ो और मुझे कल एक्सप्लेन करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बारे में। ओके, चलिए, हर चीज नहीं कर सकते ना अपन। चलो, ये कोड हो गया आपका, रन हो गया, सर, जैसे लेकिन भी हर्ष बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, जैसे भी हर्षा अटैच है राहुल के साथ, ठीक है, तो हर्षा किसी और यूजर के साथ भी मैं अटैच वही बता रहा हूँ, रहेगी? अभी अपन करेंगे ना कोडिंग में, वही अटैच करता हूँ ना मैं, याद रखिएगा, वो कर ओके रहा हूँ सब ओके कुछ। अभी अपन, ये हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए। लेकिन क्या होता है हर वक्त, क्या कृतिका का रिकॉर्ड राहुल के पास ही जाएगा क्या? मे भी पॉसिबल, नहीं किसी का भी रिकॉर्ड, जो भी नया रिकॉर्ड बनाएंगे वो रिकॉर्ड किसके पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? राहुल के पास जाना चाहिए, यस और नो? इज इट क्लियर? तो अपन इस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल कोड। क्लियर हो गया आपको? दिस इज योर नॉर्मल कोड। तो मैं ये दे देता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर नॉर्मल कोड। देखो, समझाने के लिए मैं इसलिए समझा के दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर नॉर्मल कोड, नॉर्मल कोड। मैं क्यों दे रहा हूँ ये नॉर्मल कोड आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं नॉर्मल कोड आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, इंटरव्यू में ये कोड अपन कभी यूज नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये एंटर हो गया आपका। अभी मुझे क्या करना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ जो अकाउंट रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो अकाउंट रहेगा, अरे यार म्यूट करो ना। हाँ, अरे 10 बार जाता हूँ, 10 बार आता है यार। चलो, यहाँ पे देखिए आपका रिकॉर्ड है, यहाँ पे रिकॉर्ड है आपका, इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, अकाउंट के अंदर जो भी रिकॉर्ड बनाऊंगा ना, वो रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड शेयर होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? यस अभी मैं नया रिकॉर्ड बनाता सर, हूँ, नया रिकॉर्ड बनाता हूँ अभी। अभी हम लोग नया रिकॉर्ड बनाएंगे, राहुल नाम का, राहुल ट्रिगर नाम का मैं एक रिकॉर्ड बना दूंगा नया। क्लियर हो गया आपको? शेयर। अब ये रिकॉर्ड जब बनाऊंगा ना, ये रिकॉर्ड जब बनाऊंगा, इसका रेटिंग हॉट दे देते हैं हम लोग। ये रिकॉर्ड जब बनाऊंगा, जैसे मैं सेव करूंगा, ध्यान दो, जैसे मैं सेव करूंगा तो वो रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, ये भी रिकॉर्ड वहां जाना चाहिए ना। समझ में आ रहा है आपको? अब किसका रिकॉर्ड जाना चाहिए, राहुल का जाना चाहिए, लेकिन मैंने ट्रिगर में क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, मैं किसी का भी रिकॉर्ड बनाऊंगा तो कृतिका के रिकॉर्ड जाते जाएंगे, क्योंकि अपन ने हार्ड कोडेड किया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? यस और नो? तो यस इसको अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं क्या? चलो, इसको अपन मॉडिफाइड करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये हार्ड कोडेड निकाल देते हैं हम लोग, ये हार्ड कोडेड अपन निकाल देते हैं, क्लियर? चलिए, निकाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या रिकॉर्ड जाना चाहिए, जो भी मैं अकाउंट के अंदर नया रिकॉर्ड बनाऊंगा वो रिकॉर्ड जाना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इज इट क्लियर? अभी ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये वाला रिकॉर्ड बना रहे हैं, जैसे ही मैं ये सेव करूंगा रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड जाएगा किसके पास, ट्रिगर डॉट न्यू के पास। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ, समझा? और वो वहां से रिकॉर्ड जाएगा एसीसी के पास, किसके पास जाएगा, एसीसी के पास जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको? समझ में आया क्या? अब यस वो सर, रिकॉर्ड यस अपन सर, यहाँ ऐसे लिखेंगे, देखो, acc.id। क्लियर हो गया आपको? एसीसी के पास रिकॉर्ड गया ना, ये वाला रिकॉर्ड एसीसी के पास चला जाएगा। ओके, तो ये राहुल ट्रिगर शर्मा नाम का, शेयर नाम का जो है अकाउंट रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड बनेगा। तो सेलफोर्स में मैंने बताया था, क्योंकि पहले सेलफोर्स में वो डेटा जाके स्टोर होता है, जब भी रिकॉर्ड स्टोर होता है तो हर एक रिकॉर्ड को क्या मिलता है, एक रिकॉर्ड आईडी मिलती है ना, मिलती है कि नहीं मिलती है? यस यस सर, ओके, तो यस हाँ, सर, मिलती है कि नहीं? ओके, इसलिए आफ्टर रिकॉर्ड दिया, तो वो रिकॉर्ड आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर हो गया आपको? और वो चला गया अकाउंट आईडी के पास। समझ में आ रहा है आपको? इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस यस, सर, यस सर, हो गया यस आपका? सर, चलिए, या ये रिकॉर्ड आईडी मिल गई, अब यहाँ पे जाएगा, और वो किसके पास जाएगा, राहुल के पास जाएगा।
इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताओ। ओके अब इसको कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, एरर आती है क्या, चेक करो, नहीं आती तो वेरी गुड, चलो हो गया आपका, ट्रिगर बन गया। अभी देखो हम लोग इसको जाते हैं, हम लोग इसको पहले बंद कर देते हैं हम लोग। ओके और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नया ट्रिगर नया अपन बना देते हैं। ऐसा सर पहले अपना सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शेयर हो रहा था, अब अकाउंट में आने एसीसी में आने वाले जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो पूरे के पूरे शेयर होते जाएंगे ग्राउंड यस 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 को। मैं बताता हूँ। ओके हाँ यस, और अकाउंट ट्रिगर रहेगा आपका, ओके सॉरी ट्रिगर रहेगा आपका, सब ट्रिगर देंगे अपन इसको, हॉट देंगे। जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा, जैसे ही सेव कर दूंगा वो पहले जाके सेलफोर्स में स्टोर होगा, उसके बाद वो ट्रिगर के पास जाएगा। गया ट्रिगर के पास, किसके पास आ गया, ट्रिगर डॉट न्यू के पास आ गया। बाद में वो चला जाएगा एसीसी के पास। ओके तो एसीसी के पास क्या हो गया, प्रसाद ट्रिगर नाम का डेटा भी गया, रेटिंग भी गई हॉट, और वो जब सेलफोर्स में स्टोर होता है तो उसको एक आईडी भी मिलती है, तो वो आईडी भी उसके पास चली गई, इसके पास तीन चीजें चली गई। क्लियर हुआ क्या आपको? अब मुझे क्या लगेगा, एसीसी डॉट आईडी, तो वो क्या करेगा, प्रसाद डॉट प्रसाद ट्रिगर नाम का जो रिकॉर्ड है उसका आईडी ले लेगा और इसके अंदर डाल देगा, और वो किसको भेज देगा, प्रसाद को भेज देगा। समझ यूजर में आ रहा है को आपको, सॉरी राहुल को भेज देगा। आगे आपका देखिए, चेक करो क्या हो गया रे भाई, क्यों नहीं आया, सर वो सेव नहीं मारे थे ना अपने कंट्रोल एस। देखते बोलो किया ना कंट्रोल एस। सुबह से वैसे ही हो रहे हो। कभी कभी तकलीफ जाते हैं। इफ लेना पड़ेगा ना इसमें, हाँ इसके यस, नहीं नहीं बता रहा हूँ, इफ की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस लिफ्ट, क्या लिस्ट, नहीं 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 वो बताता हूँ मैं आपको, मॉडिफाइड करता हूँ उसको। अभी अपन जा रहे हैं, अभी अभी अपन, ये खराब कोड है अपना, गरीब कोड है, गरीब, ओके गरीब कोड, जॉब नहीं लगता वो वाला कोड है आपका, एग्जैक्टली। तो ये जाएंगा आपका, इसको सेव कर देंगे हम लोग, ओके और इसको हम लोग वर्किंग करेंगे। वेट अ मिनट, मेरे सर वो पास हो एक जाते हैं अपने आप, मतलब कभी कभार दिक्कत लेता है लेकिन वो पर्टिकुलरली रिकॉर्ड वो शेयर हो जाता है, अपडेट वो हो जाता हो है, जाता है। लेकिन अभी कैसे इन लड़कों को दिखेगा, नहीं तो लड़के चिल्लाएंगे, अरे सर क्यों नहीं हो रहा है। ओके ये रिकॉर्ड शेयर हो गया अपना, बराबर है, ओके ये रिकॉर्ड आपका रहेगा बराबर, कंट्रोल एस। एक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है वो, कभी यही बड़ी तकलीफ देता है यार, ये बड़ा सेलफोन्स का यही बड़ा रोना है, मालूम है क्या। सर एक बार नया रिकॉर्ड फिर से बना के चेक कर चलो लो। देखते हैं अपन, वही ऐसे एक बार खाते बार अड़क गया ना आदमी तो बड़ा तकलीफ देता है ये। चलिए अपन एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं, राहुल वैसे भी पसंद नहीं लगता इसको, चलिए अपन राहुल बना देते हैं, अपन दे देते हैं यहाँ पे प्रियांक ट्रिगर दे देते हैं हम लोग, वो एक नहीं गया ना तो तकलीफ देंगे ही, जो फॉर्म दे देते हैं हम लोग इसको, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। चलिए ये सेव कर देते हैं हम लोग, ये देखो इसके अंदर तकलीफ गई आपकी। चलो बन गया रिकॉर्ड, क्रिएट हो गया आपका, ओके अब यहाँ जाते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं हम लोग, नहीं आ रहा ना यार, आ जाएगा सर वो आ जाएगा। ऑल सेम प्रॉब्लम हुई था सर उस दिन का भी, मतलब वही किया था। नहीं होता है, होता है वो एक्चुअली। चलो इतना क्लियर हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मुझे पहले बताओ। ओके यस सर, यस यस सर, हो जाएगा आपका, प्रॉब्लम नहीं जाएगा क्योंकि उस दिन अपन ने रन किया था तो हो गया था। ओके यही है वो वर्किंग, कोई इसमें अपन ने ये नहीं दिया था, कुछ चेंज नहीं किया अपन लोगों ने। ओके चलिए अभी क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब मैं बताऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, अभी ऐसे मैंने एक रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मैं एक रिकॉर्ड बनाया है प्रियंका, अभी अज्यूम कर तो मैं ऐसे 200 रिकॉर्ड बनाऊंगा एट ए टाइम, एट ए टाइम 200 रिकॉर्ड बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा बताओ बरा, ये इधर और जाऊंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे, ओके और यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट करके जाऊंगा, याद आ रहा होगा आपको, तो याद है क्या, इंसर्ट करूंगा सर और यहाँ पे मैं अकाउंट डाल दूंगा, यहाँ पे अज्यूम करो अकाउंट स्टूडेंट डिटेल नाम का डाल दूंगा, ये स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पे मैं एक्सेल फाइल ले लूंगा यहाँ पे, और वहाँ पे मैं 200 रिकॉर्ड डालूंगा। अब ये 200 के 200 रिकॉर्ड जब जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा, याद है क्या,
जैसे मैं इंपोर्ट कर दूंगा ये पूरे सब के सब रिकॉर्ड कहाँ पे जाएंगे आपके सेलफोर्स के अंदर जाएंगे कि नहीं सेल्सफोर्स के अंदर। आएंगे नहीं। अब देखो यस सर। तो ये टिकट डॉट न्यू के पास कितने रिकॉर्ड आएंगे बताओ, 200 रिकॉर्ड 200 आएंगे। 200 नोट करो अभी, मैं बताता हूँ अभी कैसे ये फॉर लूप लिखते, तो 200 रिकॉर्ड आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ, आएंगे। अब वो 200 रिकॉर्ड में से क्या करेगा ये फॉर लूप, अभी उसमें से एक रिकॉर्ड लेगा एसीसी के पास, मतलब बचे इसके पास कितने, 199। नहीं। महेश समझ में आ रहा है, कोमल समझ में आ रहा है, ओके। इसके पास एक यस रिकॉर्ड आ गया, अब वो रिकॉर्ड क्या होगा, ये अकाउंट शेयर ले लेगा और उसका आईडी लेगा और वो राहुल के पास भेज देगा। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए ओके। बाद में क्या करेगा, और वो उसके बाद उसको इंसर्ट एसीसी शेयर कर देगा। इतना क्लियर हुआ कि आपको, बाद में क्या करेगा, ट्रिगर न्यू के पास 199 रिकॉर्ड है तो उसमें से एक रिकॉर्ड वापस एसीसी के पास भेज देगा, तो इसके पास रहेंगे 198 रिकॉर्ड, वो वापस एक रिकॉर्ड देगा, उसका आईडी देगा, उसको भेज देगा ओके। और बाद में उसको इंसर्ट कर देंगे बाद में और एक रिकॉर्ड, तो ऐसे करके रिकॉर्ड रिकॉर्ड भेजते जाएगा आपका, यस और नो बताओ मुझे यस सर। ओके। लेकिन लेकिन ये इंसर्ट आपका डीएमएल स्टेटमेंट है, आपका डीएमएल हाँ सर। स्टेटमेंट है आपका, यस इसका सर। गवर्नर लिमिट रहता है, गवर्नर 150। लिमिट रहता है ओके। लिमिट कितना रहता है आपका, 150 रहता है। 150। ये ट्रिगर एरर दे देगा ना आपका, ये फॉर लूप एरर कोड दे फट देगा, जाएगा सर वो यस, इसको कोड कोड। फटना बोलते हैं। तो ये आपका रिकॉर्ड म्यूट करो, ये रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका ये फट जाएगा आपका, मतलब ये एरर दे देगा आपका, इज इट क्लियर। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग क्या करेंगे, कभी भी याद रखना लिस्ट इंसर्ट जो है ना वो यूज नहीं करते, अपन क्या करेंगे एक लिस्ट बनाएंगे। चलिए अब लिस्ट बनाते हैं हम लोग, ये लिस्ट बनाएंगे हम लोग, म्यूट करो यहाँ पे, मैं बताता हूँ कोई बोलो मत यहाँ पे। तो ये लिस्ट बना देते हैं हम लोग, अब ये लिस्ट बनाना पड़ेगा मुझे एक। अब लिस्ट किसकी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं ना हम लोग अकाउंट शेयर नाम का, तो अपन लिस्ट भी उसकी बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एसीसी देखो हम लोग किसको इंसर्ट करेंगे, इसको इंसर्ट कर रहे हैं ना देखो यहाँ पे, कर रहे हैं कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे लिस्ट इसकी बनाना पड़ेगा, कंट्रोल सी, और ये लिस्ट में मैं डाल दूंगा कंट्रोल वी, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। और इस लिस्ट का नाम दे दूंगा लिस्ट एसीसी शेयर, ऐसे नाम देना पड़ता है ओके। इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड नाम होते हैं, स्टैंडर्ड मतलब समझ में आ जाता है आपको। और यहाँ पे कंट्रोल वी दे देता हूँ, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, अपन अभी भी अभी ये अपना बेटर कोड रहेगा, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मैं दूसरे रिकॉर्ड दूंगा तो ये मेरा फॉर लूप डिलीट हो जाए, ये हो जाएगा ना, एरर क्रिएट करेगा, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको निकाल दूंगा ओके, निकाल दूंगा, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसके जगह पे, तो लिस्ट शेयर एसीसी शेयर मैं क्या करूंगा लिस्ट शेयर है इसके अंदर उसको ऐड कर दूंगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी डॉट ऐड कर देंगे हम लोग, और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम लोग, कंट्रोल सी यार, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, नोट करो यार, को नहीं है इसमें रिकॉर्ड, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताइए, यस एनी डाउट्स, सर। कंट्रोल एस करते हैं हम लोग, इसको सेव करते हैं, बड़ा देखते हैं हम लोग। चलिए आगे आपका, मतलब अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, अब ये लूप 200 बार भी घूमेगा तो 200 बार क्या करेगा, वो रिकॉर्ड जो लेगा वो एक वर्क करते जाएगा ओके, और वो ये लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा 200 बार, क्लियर हो गया आपको। इसको उठाएंगे बाद में बाहर लेके आएंगे हम लोग, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस डॉट, डेटाबेस डॉट क्या कर देंगे हम लोग, डेटाबेस डॉट इंसर्ट, सर इंसर्ट कर देंगे हम लोग, और इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, किसको, ये लिस्ट को डाल देंगे। तो मेरा अभी इंसर्ट नाम का जो ऑपरेशन है वो कितने बार वर्क हो रहा है, एक ही बार वर्क हो रहा है ना, अरे हो कि नहीं, एक ही बार वर्क हो रहा है आपका, यस लेकिन एक बार वर्क होने के बावजूद भी वो 200 रिकॉर्ड को वर्क करवा रहा है, समझ में आ रहा। तो जो वो गवर्नर लिमिट है मैंने उसको निकाल दिया है। इतना क्लियर हो गया कि आपको, मुझे बताओ, यस क्लियर हुआ कि आपको, सर। लेकिन दिस इज नॉट योर बेस कोड, दिस इज नॉट योर बेस कोड, दिस इज नॉट योर बेस कोड, क्लियर हो गया आपको, एरर क्या सर ये दे रहा है, फॉल्स बताओ ना थोड़ा सा। फॉल्स जो रहता है ना वो बताता हूँ आपको, ये रिकॉर्ड क्यों सेव नहीं हो रहा है, आज क्या हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, मैं बताता हूँ बेटा ओके। ये रिकॉर्ड हो गया, अब ये हो गया आपका रिकॉर्ड, ये आपका एक आपका ये हो गया आपका नॉर्मल कोड, नॉर्मल कोड नहीं है ये, अपना बेटर कोड हो गया, लेकिन बेस्ट कोड हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ है। अब क्या होता है,
अब देखिए यहाँ पे चेकर लगाना पड़ता है। चेकर क्यों लगाया जाता है, मैं आपको मैं पहले ही बताया व्हाट इज द यूज ऑफ चेकर। आप कितना अच्छा कोडिंग करते हो वो मेरे को लेना देना नहीं, चेकर लगाना जरूरी होता है। अब मुझे बताओ, 1 लाख मेरे पास रिकॉर्ड है और मुझे एक ऑपरेशन करना है, वो 1 लाख में से 10 लोगों का ही ऑपरेशन, 10 रिकॉर्ड का ही ऑपरेशन करना है, ओके। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने चेकर्स नहीं लगाए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो ऑपरेशन है वो पूरे 1 लाख रिकॉर्ड को चलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे एग्जैक्टली कितने लोगों के लिए वर्क करना है, रिकॉर्ड के लिए वर्क करना है 10 रिकॉर्ड के लिए, लेकिन मैं इसके लिए मुझे क्या होगा, 99,990 जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर वो जो प्रोसेस करना पड़ेगा उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, यस और नो? अरे हो कि नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा ना, टाइम वेस्ट रहेगा, हाँ यस टाइम इज वेस्टिंग ना, टाइम आपका वेस्ट रहेगा, तो ऐसे वक्त क्या होगा, आपका तो मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे वक्त अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चेकर लगाते हैं। तो अपन ऐसा चेकर लगाएंगे कि भाई 1 लाख कोड है ना, तो मैं चेकर ऐसे लगाऊंगा कि जिसको वो कोड की जरूरत है बस वही वो इफ के थ्रू अंदर आएगा। समझ में आ रहा है कि आपको, तभी वो इफ के अंदर आ जाएगा और वो 10 ही कोड को प्रोसेस करेगा। तो 99,990 जो आपका रिकॉर्ड है वो ये कोड को रन ही नहीं करेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, कम टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली आउटपुट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा मुझे, यस और नो? ओके, तो मुझे यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे एक आईडी लगाना पड़ेगा, चेकर इफ, क्या चेकर लगाना पड़ेगा मुझे बताओ, नॉट, ओके, ये लिस्ट एसीसी, कंट्रोल सी, लिस्ट एसीसी। अब लिस्ट एसीसी के अंदर कुछ वैल्यू आएंगी कि नहीं, तो इंसर्ट करने की जरूरत है क्या, क्या है नो नहीं ना, तो इज एम्प्टी नो है ना, आई नहीं ना जरूरत, इसलिए अभी चेकर लगाया मैंने। अब समझ में आ गया आपको चेकर क्यों लगाया था अपन ने, ओके। बराबर सिस्टमेटिक कर रहा मैं, कितने भी टाइम रहो कुछ भी रहो, लेकिन कोड लिखते वक्त कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये भी आपको भी आदत वही लगनी चाहिए। ये चेकर हो गया आपका यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये कब चेकर लगेगा, मुझे बताओ इसके लिए कब कौन सा चेकर लगेगा। अब देखो अपन रिकॉर्ड आ रहे ला रहे, 200 रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, यस और नो? यस वैसे एक रिकॉर्ड एसीसी के पास जाएगा, गया, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक रिकॉर्ड गया आपका। अब एज्यूम करो वो रिकॉर्ड तो चला जाएगा, और एज्यूम करो गलती से ड्यू टू सम प्रॉब्लम, अभी देखो अपन पूरा कोड बराबर लेकिन रन नहीं हो रहा है, हो सकता है ना, ऐसी कंडीशन भी कंपनी में आ सकती है, ये सर नो? तो ऐसे वक्त क्या होगा, इसके पास वो रिकॉर्ड तो आएगा लेकिन इसका आईडी नहीं आएगा, आईडी आएगा ही नहीं तो ये कोड रन होना चाहिए क्या, क्योंकि आईडी मिलेगा ही नहीं तो वो राहुल के पास ट्रांसफर करने वाला है क्या, अभी वही एरर आ रहा है अपने, वही एरर आ रहा है क्योंकि वो आईडी दिख रहा नहीं उसको, क्योंकि वो बनने के लिए टाइम जा रहा है तो वो आने के लिए टाइम जा रहा है, तो इसलिए वो ले रहा नहीं वो, ओके, यस और नो? क्लियर हो गया क्या आपको, यस? तो मुझे यस क्या सर करना पड़ेगा, यहाँ पे चेकर लगाना पड़ेगा, कौन सा चेकर लगाना पड़ेगा बताओ, इफ आईडी नॉट इक्वल्स टू नन इज एम्प्टी, एसीसी डॉट आईडी, आईडी आईडी ओके क्या रहेगा, नॉट डॉट इक्वल्स टू नल एसीसी नॉट इक्वल्स टू नल। मैंने क्यों लिखा है नल, मैंने कल बताया था क्योंकि देखो यहाँ पे 200 रिकॉर्ड है लेकिन एसीसी के पास एट ए टाइम कितने रिकॉर्ड आएंगे, एक ही रिकॉर्ड आएगा सिंगल ना, रिकॉर्ड सिंगल रिकॉर्ड जब रहेगा तब अपन नील के साथ काम करते हैं, इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी, क्लियर हो गया आपको, यस यस? और जब मेरे पास बन जाता तब इज एम्प्टी के साथ काम करते हैं, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ, यस यस? देखो रे एक एक कोड बता रहा हूँ, एक नहीं तो आप नहीं यस तो सर राहुल को सर एक कोड बार फिर से भेज, बताओ वो नल वाला कॉन्सेप्ट क्या बोला आपने? अरे आईडी जो रहेगा ना, आईडी आएगा नहीं, इज नॉट इक्वल टू नल, आईडी आएगा ही नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे एरर दे देगा वो, मतलब वो जाएगा ही नहीं इस कोड के अंदर, टैप दे देते हम लोग, देखो थोड़ा टाइम लगा चलेगा लेकिन मैं वर्किंग करते हुए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। अब समझ में आ रहा है, रिकॉर्ड दिख रहा है आपको, ये फॉर के अंदर ये इस तरह से कंट्रोल एस करेंगे, सेव करते इसको, सर चेकर मतलब लिया अपना था अकाउंट आईडी अगर नल नहीं रहेगा तो वाला कोड अपना रन होगा ना? बराबर है ना बेटा, क्योंकि आईडी रहेगा तो अंदर जाएगा और वर्क करेगा, आईडी नहीं रहेगा तो नल रहेगा तो बाहर आ जाएगा,
समझा क्या आपको, इतना क्लियर हुआ क्या और मुझे वो बताओ? लास्ट वाला जो अपन ने चेकर लगाया वो डेटाबेस डॉट इंसर्ट पे लगाए ना। हाँ रे यार, वही तो लगाया ना बेटा अपन ने। चलो ये अभी शांत रहो, अभी ये क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। यस, तो ये यस रहता सर। आपका कौन सा कोड रहेगा आपका, ये रहेगा आपका बेटर कोड, लेकिन बेस्ट कोड नहीं हुआ ये। तो अपन ले लेते क्या बेटर कोड को, तो बेटर कोड मैं आपको यस दे देता हूँ, चलेगा आपको? यहाँ पे आपका बेटर कोड दे देता हूँ। बोलेंगे सर बेटर और बेस्ट कोड कौन सा है, तो अपन देखते हैं, तो इंटरव्यू में आपको वो लिखना है आपको। ओके, जनरली ये पूछता नहीं कोई, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ। ओके चलिए, इसको अपन एक बार सेव कर दिया तो रन करके देखते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन एक बार आ गया ना खराबी तो प्रॉब्लम जाता है। नो, तो मैं वो दे देता हूँ आपको बेस्ट कोड, कंट्रोल वी। इतना क्लियर हो गया आपको? इसका कोडिंग भी मैं भेज देता हूँ आपको। चलिए कंट्रोल सी, ओके। चलिए बाकी के कोड जल्दी रन हो जाते हैं। ये हो गया आपका, ये क्लियर हो गया आपको। अभी बेस्ट कोड देखते हैं हम लोग, बेस्ट। अब कृतिका ने एक क्वेश्चन पूछा था सर, क्या वो सिर्फ राहुल के पास ही जाएगा क्या? भाई जो यूजर के पास भेजना है वो यूजर के पास भेजेंगे अपने तरीके से, जनरलाइज। समझ में आ गया? मुझे वो रिकॉर्ड क्या करना है, कृतिका को भेजना है तो कृतिका को भेजेगा, वो रिकॉर्ड मुझे अंकुश को भेजना है तो अंकुश को भेजूंगा, वो रिकॉर्ड मुझे अपूर्वा को भेजना है तो अपूर्व को भेजूंगा, वो रिकॉर्ड मुझे महेश को भेजना है तो महेश को भेजूंगा, बादल खान को भेजना, सॉरी बिलाल खान को भेजना है, तो मुझे, तो यूजर मेरे को अपने उस इसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, मतलब वो रिकॉर्ड, मतलब कौन सा भी रिकॉर्ड किसी भी यूजर को मैं भेज सकूं। समझ में आया क्या आपको, यस और नो? तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं जनरलाइज कोड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरलाइज कोड। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइज कोड। अभी जनरलाइज कोड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ सेटिंग करना पड़ता है अपने को। अपन जाते हैं यहाँ पे और वो कोडिंग पे जाते हैं हम लोग। ओके, इसको अपन देखिए कहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं हम लोग, बताते हैं हम लोग। चलिए अकाउंट के अंदर जाते हैं हम लोग। अकाउंट के अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेटअप पे जाते हैं हम लोग, अगेन सेटअप पे जाते हैं हम लोग। ध्यान देना, ये करो जनरलाइज बना रहे, ये आपका बेस्ट कोड रहेगा आपका। ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाने के बाद इसको क्लिक करते हैं, एरो पे क्लिक करेंगे तो कस्टम ही मिलता है, ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाएंगे तो स्टैंडर्ड मिलता है। चलो अकाउंट के पास जाते हैं हम लोग, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं, मैं समझा के देता हूँ आपको। अपन उसके बाद न्यू पे जाते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग देखो लुकअप रिलेशनशिप के पास जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट के पास जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए एक यूजर नाम का रहता है, आपको समझ में आ जाएगा आपको। ओके, यूजर नाम का इसको अपन अटैच कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, अकाउंट और यूजर के साथ, अकाउंट और यूजर जो है उसको उसके बीच में लुकअप रिलेशनशिप लगा रहा हूँ। यस और नो, क्लियर हो गया आपका? यस अब इसका फायदा क्या रहेगा आपको बताता हूँ। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ेगा, हमने कर चुके हैं, ऐसा भी इंटरव्यू में पूछते कभी कभी, सेव करते हैं हम लोग। हो गया मेरा? चलो बना लिया हमने, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक यूजर नाम का बन गया होगा, चलिए कहाँ गया रे? सर वो अकाउंट ओनर के चलिए हम लोग सर ऊपर देखते ही है, हैं वो ऊपर ही है अकाउंट कहाँ पे नंबर के नीचे। ओनर आईडी नहीं है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिफ्रेश करेंगे हम लोग, न्यू के पास जाते हैं हम लोग, बनना चाहिए यार। ये देखो नीचे जाएंगे हम लोग, दिख रहा है आपको यूजर करके आया हुआ है, दिख रहा है यस क्या? यस, अभी देखो। चलिए सर अब ये यूजर आ रहा है आपका, यूजर आ रहा है, तो कैसे अपन ने लुकअप यस रिलेशनशिप क्रिएट किया, किसके बीच में, अकाउंट और यूजर के बीच में। सर समझ में आ रहा है यस आपको? चलिए अभी अपन जाते हैं, पर अपने कोड को जनरलाइज करते हैं हम लोग, जान लीजिए। अब यहाँ पे जो रहेगा ना ये हार्ड कोडेड है, क्योंकि रिकॉर्ड कोई भी बना रहे अपन, रिकॉर्ड हर्षा नाम की मैडम जो भी रिकॉर्ड बना रही है, वो जा रहा किसके पास,
किसके पास जा रहा है? कृतिका, राहुल राहुल। के, राहुल के पास ही जा रहा है ना, देखा जाए तो राहुल के पास ही जा रहा है, नहीं ना? मुझे कौन सा भी रिकॉर्ड किसी भी यूजर के पास जाना चाहिए, यस और नो? अरे यस और नो मिल गया यस आपको, तो वो मैं इसको ऐसे दे दूंगा, ACC डॉट यहाँ पे यूजर, चलिए कंट्रोल एस, एरर आके चेक करते हम लोग। यार आज बहुत स्लो चल फिर रहा ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा ना। है, ऑब्जेक्ट ही डाला नहीं यार मैंने, देखना कंट्रोल एस, यूजर नहीं दे रहा है ना वो, यूजर नहीं देना, वो कस्टम फील्ड लेगा वहां पे। अच्छा वेट अ मिनट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी देता हम लोग, निखिल को समझ में आ रहा है शायद। वेरी गुड, आ गया आपका, ओके तो क्या दिया मैंने यहाँ पे, समझ में आया क्या आपको क्या किया मैंने? तो ये वाला दिया आपने, ओके समझा क्या? चलो अभी अपन एक इसको सर, बंद कर देते, इसको रिफ्रेश कर देते, देखो ध्यान दो, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हम लोग, इसको रिफ्रेश कर देते हम लोग, अभी अपन एक न्यू जाते हम लोग, अभी अपन एक आधा नया दे देते रिकॉर्ड यहाँ पे, मित्रा फिगर ले लेते हैं हम लोग, क्लियर हो गया आपको? और रेटिंग अपन दे देते हैं हॉट, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यूजर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यूजर देंगे तो ये देखो पॉपअप विंडो है कि नहीं, यहाँ पे जब ऐसे क्लिक करेंगे आप लोग तो आपको यहाँ पे यूजर्स आ जाएंगे, लेकिन ये आपका कौन सा वर्जन है? फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में क्या होते हैं, दो ही दो ही यूजर यूजर आपको काम दिखते हैं, करते हैं। एक तो आपका सिस्टम एडमिन, दूसरा राहुल ही दिखेगा, लेकिन जो लाइसेंस इसमें रहते हैं उसमें आपके 1000 यूजर होंगे तो 1000 यूजर दिखेंगे आपको, समझ में आ रहा है आपको? समझा क्या आपको? उसमें से आपको जो यूजर लेना है सर, वो यूजर ले लीजिएगा और यस इसको सर। सेव कर दीजिएगा, ओके 1000 में से जो यूजर को लेना है वो ले लीजिएगा, तो ये जो रहेगा वो उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया आपको? ये हो गया आपका जनरलाइज कोड, इसको बोलते हैं जनरलाइज कोड। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए एनी डाउट? वो आ रहा नहीं है लेकिन देखते हैं हम लोग, ड्यू टू सम रीजन नहीं आ रहा है, देखते हैं हम सर लोग वो क्लियर पॉपअप हुआ। में हम मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, अगर पेड वर्जन होगा तो, या एट अ टाइम वन ही करना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं एक एक ही कर सकते हैं हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने ओके को वो जो आईडिया है वो आपको कितने लोगों को भेजना है, 10 लोगों को भेजना है ना, तो अपन हाँ एडमिन में क्या होता है, अपन एक ही जन को भेज सकते हैं, और डेवलपमेंट में अपन कर सकते हैं, आपको भेजना है तो देखो ना आप लोग, आपको कितने लोगों को भेजना है तो अपन भेज सकते हैं, 200 लोगों को भेज सकते हैं, फॉर लूप में डाल देंगे अपन उस पर, वो भेज सकते हैं। चलो ये क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए, ये आपका बेस्ट कोड रहेगा आपका, दिस इज योर बेस्ट कोड, इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी, दिस इज योर बेस्ट कोड, ओके दिस इज योर बेस्ट कोड, ये रहेगा आपका बेस्ट कोड। तो इंटरव्यू में आपको एक आधे बार होता है बेटा ये कल रन हो जाएगा, देखना टेंशन मत लो, होता है कभी कभी, होता है बहुत बार प्रॉब्लम जाता है यार। चलो ये हो सर, गया मोस्ट आपका ऑफ द यार, टाइम कोड रन करता है पर आउटपुट नहीं दिखता है, ऐसे आज भी हुआ, मतलब बहुत बार। हाँ नहीं, बहुत बार होता है, कभी फ्री वर्जन में यही बड़ा प्रॉब्लम है आपका। हाँ सर, कभी मेल जा रहे थे, कभी नहीं जा रहे थे, कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, फिर हाँ भी। वो होता है, होता है उसका, आप कंसेप्ट क्लियर करो, आपको हो गया आपका क्लियर हो गया कि मुझे बताइए दिस इज योर बेस्ट कोड, ओके। अभी आप लोग बोल रहे हैं मुझे कि सर एक नहीं क्या मुझे किसी और ऑब्जेक्ट के साथ बना के दो, अपन 5 मिनट में बनाते क्या, अपन चलेगा? चलिए अपन एक फाइल सर स्टूडेंट डिटेल के साथ ही काम करते, चलेगा आपको? मतलब आपका कस्टम भी हो जाता है, पढ़ा सर एक क्या? अपॉर्चुनिटी के साथ बना सकते हैं क्या अपन, मतलब स्टैंडर्ड में? किसी के साथ भी बना सकते हैं यार, चलो लेकिन अपन ने फोर्थ लाइन में जो अपॉर्चुनिटी एक्सेस लेवल एडअप किए, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या अपने साथ में फिर? देखते हैं ना, अभी देखते बना के देता हूँ, स्टूडेंट अपन देखते हैं, नहीं, स्टूडेंट मैं क्योंकि बना रहा हूँ इसलिए मेरे को एरर आ रहा है। आएगा ना वो, मैं बताता हूँ उसको, स्टूडेंट रिकॉर्ड शेयर चलेगा अपने, और इसको अपने को देना है यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल के साथ, देखो देखते अभी क्या एरर्स आती है, तो चेक करते हैं एरर बेटा, देखो हम कुछ एरर आई ना तो बिंदास रहने का सॉल्व होती चाहिए एरर, हाँ सर, अभी तो मतलब ऐसा कुछ रहते ही नहीं, ओके एरर आफ्टर, मतलब हाँ निकल जाती है अभी। आफ्टर, एक लिमिट के बाद एरर आई तो अपने को टेंशन नहीं है, आपका कोड और जितनी कम एरर देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो ये आ गया आपका यहाँ पे, अभी हम लोग लेते हैं वर्किंग, तो ट्रिगर लगा दिया मैंने, तो अपन उठा लेते ना ये कोड, है कि नहीं? हाँ सर, चलो कर लो कॉपी पेस्ट। यस वेरी गुड।
अब किसी को तकलीफ जा रही है क्या, कॉपी पेस्ट ही करते हैं हम लोग, कोई टाइप नहीं करता है। ब्रो डेटाबेस वेट फॉल्स वेट वाला वेट, अभी बताना। मैं रुक जाऊँ, अभी मैं करवाता हूँ, मैं भी बाद में भी शांत रहो। अभी देखो यहाँ पे, अभी मुझे किसका रिकॉर्ड भेजना है मुझे बताओ, स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, स्टूडेंट वेट अ मिनट, अभी बोलो मत, स्टूडेंट बोलो मत अभी। अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे मैं STUD लिखता हूँ, स्टूडेंट STUD। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड आएगा अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग। अनुराधा, समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओके अनुराधा, इज प्रेजेंट और नॉट? बाप रे, अनुराधा है ही नहीं क्या? वेरी गुड, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना रिकॉर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो रहेगा ना आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड देंगे। अब ये स्टूडेंट डिटेल का रिकॉर्ड जो रहेगा, ये न्यू का रिकॉर्ड बनाएंगे, ये वाला रिकॉर्ड जो है ना, वो वाला रिकॉर्ड आएगा। ये वाला रिकॉर्ड कहाँ पे आएगा आपका, अपन एक फिलअप करेंगे तो वो आ जाएगा इसके पास। तो रिकॉर्ड मुझे कलेक्ट, टिकर डॉट न्यू के पास कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है बताओ ब्रो, मुझे कौन सा आ रहा, स्टूडेंट डिटेल का आ रहा है? स्टूडेंट डिटेल्स, भी डिटेल में करना पड़ेगा ना। अरे हाउ कि नहीं, हो गया आपका? यस यस। अभी उसको अपन क्या करेंगे, अब मुझे स्टूडेंट डिटेल के साथ काम करना है, तो अकाउंट शेयरिंग वाला मुझे चलेगा क्या? नहीं, कंट्रोल सर, भी करते और यहाँ पे सी के जगह पे शेयर यूज करते हैं। फिर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर? अभी समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गया आपको? कंट्रोल सी यहाँ पे अपन दे देते हैं कंट्रोल, क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? अब स्टूडेंट शेयर के साथ वर्क कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल सी, तो मुझे लीज भी किसकी बनाना पड़ेगा? वेरी स्टूडेंट शेयर, गुड, स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल डिटेल्स, क्लियर, इतना क्लियर हुआ आपको? तो नाम भी अपन थोड़े चेंज कर देते हैं, STUD, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे भी अपन STUD, इज इट क्लियर? चलेगा आपको? और ये नाम अपन चेंज करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब देखो इसको कोई जरूरत नहीं लगती, क्यों नहीं लगेंगी जरूरत? क्योंकि जब अकाउंट के साथ है तब अपॉर्चुनिटी लगती थी, स्टूडेंट डील के साथ अपॉर्चुनिटी की कोई जरूरत है क्या? आए करे बाबा, नो नहीं सर, नो सर, है ना, इसकी भी जरूरत है क्या आपको? सर इसका सर फिर यूज़ उसकी क्या, यही तो जरूरत नहीं थी कब, पता, जब उसका अकाउंट के साथ कर रहे थे? यूज़ ही नहीं पता सर। हाँ तो वही बता रहा हूँ आपको। ओके चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे अपन इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे देखिए एरर आएंगी तो क्लियर करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, तो मैंने भी नहीं किया, मैं पहली बार वर्क कर रहा हूँ। चलो हो गया आपका, अब ये लिस्ट का नाम क्या आपका, ये वाला नाम है कंट्रोल सी, ये डाल देंगे यहाँ पे, कंट्रोल वी, क्या क्लियर हो गया आपको? अरे यार गलती से बोलते हो गया, कंट्रोल सी, ये डाल देते यहाँ पे कंट्रोल वी, क्या क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? उसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, क्या यूज करेंगे, स्टूड शेयर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी आ गया आपका यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट डॉट शेयर अकाउंट लेवल एक्सेस लेवल सिक्योरिटी, ये आपको रीड चाहिए, तो इसके मुझे चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पे, अरे हो कि नहीं? ओके, अकाउंट एक्सेस लेवल के ऊपर मुझे इसमें देना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये चीजें अपन देखते हैं यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट आईडी ना, अकाउंट आईडी की जगह पे इसका किसमें किसमें देना पड़ेगा मुझे, स्टूडेंट आईडी वाला म्यूट करो। ओके, और यहाँ पे अपन मुझे चेंजेस बहुत करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यूजर मुझे यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, याद है ना आपको, याद है क्या? इसमें भी यस ऐड सर, करना पड़ेगा, यस क्योंकि ये सर, एरर दे देगा वो, फील्ड पहले बता रहा हूँ, एरर दे देगा आपको। ओके बनाना पड़ेगा। यस, वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल सी,
कंट्रोल V, कंट्रोल V, समझा क्या आपको क्या कर रहा हूं मैं? तो मुझे यस सर, क्लियर। और ये अकाउंट यस आईडी सर, देना पड़ेगा क्या यहाँ पे? अकाउंट आईडी क्यों? तो अकाउंट की थी वो ना भाई, इसमें क्या देना यस पड़ेगा मुझे, क्या देना पड़ेगा बताओ ना मुझे। उसी में स्टूडेंट कंफ्यूजन है, आईडी, उसी में इधर आ रही, उसी में एरर आ रहे सर, उस दिन किया था क्या हमने क्या मिलकर। बेटा कंफ्यूजिंग है, मुझे बताओ तो ना क्या कंफ्यूजिंग है, क्या इतना ये है उसके अंदर? जाओ स्टूडेंट डिटेल के अंदर, वहां से जब इंपोर्ट कर देगी वेट अ मिनट, यहाँ पे जाएंगे हम लोग फील्ड रिलेशनशिप में जाएंगे, वेट अ मिनट, आईडी चेक करो ना यहाँ पे, क्या नाम है उसका आईडी का बताओ, क्या अकाउंट आईडी। रहेगा अकाउंट आईडी का रहेगा क्या? वेरी गुड, स्टूडेंट डिटेल का क्या रहेगा बताओ? स्टूडेंट आईडी करके सर रहेगा, मैं बट सर अकाउंट वहां क्या पे बता रही अवेलेबल हूँ आपको, नहीं है। यहाँ पे दिख ही नहीं रहे, इसलिए सर हमने सर्च किए थे ऑलरेडी, इसीलिए बोल रहे हैं। यहाँ रिकॉर्ड पे आईडी भी क्या रहता है? अवेलेबल, रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड आईडी रहता है ना इंपोर्ट यहाँ में भी पे? हाँ अवेलेबल नहीं है। वेरी गुड, है ना, रिकॉर्ड आईडी रहेगा ना आपका, ध्यान दो, इसको कैच करेंगे यहाँ पे, देखिए ओके, कंट्रोल एस, कौन सी एरर आ रही देखते हम लोग। चलिए कौन सी एरर है, दो समझा क्या, क्लियर हुआ क्या आईडी आपको में टॉपिक? वेरिएबल डज नॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, यूजर में वो बराबर यूजर लिया उसने, ले लिया उसने बराबर, ओके ये यूजर आईडी, तो मुझे ये भी निकाल लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग बताइए, न्यू पे जाते हैं हम लोग, फील्ड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट लुकअप करेंगे, रिलेशनशिप, लुकअप लुकअप कंडीशन साथ रिलेशनशिप यूजर नेक्स्ट देंगे हम लोग, के। यस ये आप यूजर के साथ अटैच करेंगे। अब ये सर मेरा फील्ड भी होमवर्क बना हो लेते तो जाता भी तो है कस्टम ही आपके बन लिए, जाती ना। नहीं बनता ना बेटा, कस्टम कैसे बनेगा वो, लुकअप कैसे लेगा वो, नहीं लेता वो, फील्ड नहीं बना सकते हम लोग। चलो हाँ इसको नेक्स्ट यूजर की करते तो हैं हम नहीं बना लोग, सकते सर, वो तो ऑलरेडी सेव सेव बनती कर देते हैं हम लोग, ओके ये बन गया आपका यूजर, इज इट क्लियर, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, सॉरी इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए अभी अपन जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या, कंट्रोल एस करते हैं हम लोग, अब निकल जाएगा वो, निकल गया आपका कोड, ओके यस और नो, अरे यस मिस्टेक, तो अभी अभी अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो अभी जाते हैं हम लोग, ये स्टूडेंट डिटेल है क्या यहाँ पे? स्टूडेंट डिटेल है यहाँ पे, वेट अ मिनट, ऑल कर देते हम लोग, ऑल कर देते, गो कर देते हम लोग, ये तो सब दिख रहा है यहाँ पे, अरे 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 अरे, उसकी भी सेटिंग करना पड़ेगा भाई मेरे को, समझे क्या? प्राइवेट जाते करना पड़ेगा, हैं अभी, इतना बना ही स्टूडेंट दिया डिटेल्स में इसने, जाके यूजर को ये करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, शेयरिंग सेटिंग में जाते हैं हम लोग। अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ऐसा कोई रॉकेट साइंस के समान तो ऊपर से नहीं गया ना आपका। नहीं चलिए अब सर, नीचे जाते हैं, स्टूडेंट डिटेल कहाँ पे अपना, स्टूडेंट डिटेल प्राइवेट तो है रे, हम्म, रुक जाओ बरा, वेरी गुड, वो भी देख लेते यूजर हैं, को करेंगे ना अपन। नहीं ना रे, चलिए प्रोफाइल के पास जाते हैं, ऐसा होता है बहुत चेक करना पड़ता है दादा, इसमें पैसे मिलेंगे अपने को तो अपन कंपनी के लिए काम करेंगे 8 घंटे के लिए, कौन सा था प्रोफाइल, एचओडी का है ना, यस नहीं हुआ तो परमिशन सेट में जाना पड़ेगा, वहां एडिट करना पड़ेगा, दिमाग का लोचा कर देते हैं पूरे। चलिए अपन जाते नीचे, चारों भी कर दो, इसको तकलीफ देता है कभी कभी वो पूरे ऑल मत करना है, ये ऑल नहीं करने का, कभी ऑल किया ना तो तकलीफ देता है वो, समझे, इसको सेव इट,
बाद में अपने को जाना पड़ता है कहाँ पे, शेयरिंग में। इसकी सेटिंग बस यही ट्रिगर में लगता है उतना सेटिंग में, तो बाकी केस में नहीं लगता। एडिट करते हम लोग, बड़ा तकलीफ 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 तकलीफ। आ गया प्राइवेट, सेव इट। चलिए वेरी गुड, इसको रिफ्रेश करते हैं बरा। तकलीफ दे रहा है यार, चलिए जाने दीजिए। वो आएगा आएगा, वो इधर उधर रन नहीं हो रहा, लेकिन यही सेटिंग है। क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस, तो इस तरह से आप कर यस सकते हो आप लोग। ओके, अब ये स्टूडेंट डॉट शेयरिंग, तो अभी मुझे रीड करना राइट करना। अब देखो ये कोड रहेगा आपका, इसको रन करके देखिए आप लोग, चलेगा आपको? ओके, एनी डाउट? समझा क्या? ट्राई सर, कीजिएगा आप लोग, चलिए वेरी गुड। यस सर, अब आप परमिशन सेट भी चेक करो आप लोग, परमिशन सेट भी चेक करना पड़ेगा ना, बहुत चेक करना पड़ता है यहाँ पे। ओके चलो, क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस, तो कर सकते हैं ना आप लोग। यस तो कल बाकी का अपन कल देखेंगे, लेकिन कल से जो ट्रिगर है ना, वो थोड़े तकलीफ वाले ट्रिगर रहेंगे आपको। ओके, तकलीफ वाले। देखो बेटा, इतना टाइम लगता ही चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे जल्दी खत्म करना है वो, तो अभी अपन कल से क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट मंडे से आप लोगों का 8 बजे ही क्लास रखेंगे, 8:05 में चालू करेंगे, और 9:15 को मैं खत्म करूंगा। ओके, बट ये टाइम देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सेल्फ फोर्स में होता ही नहीं, नहीं तो। ओके, और दूसरी चीज, मैंने आपको सबको क्लियर करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा कि लड़के आते हैं, अब्सेंट रहते हैं, जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो गायब हो गए, यहाँ पे चले गए सर यहाँ पे। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये कीजिएगा आप लोग वर्किंग, और प्रैक्टिस जिस दिन की होती है उस दिन पे आप कीजिएगा। चलिए ओके, तो कल मिलते हैं हम सर लोग। हाँ, और हाँ बोलिए। मैं वो अपना एक बार कोड ओपन करो ना। हाँ तो मैं बताता हूँ, ओके बता देता हूँ, मुझे कॉल कर देना। और दूसरा चीज, आपको एनी हाउ मंडे तक आप लोगों को पेमेंट कंप्लीट करना है, नहीं तो अदरवाइज तकलीफ ये जाएंगे आपको कि हम लोग अलाउ नहीं करेंगे मंडे से, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। ओके, और मंडे से जो मेन ट्रिगर होंगे वो चालू होंगे। अब मैं आपको इजी वे बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी के लिए अपन पढ़ रहे हैं, नॉर्मल इसमें इतने हाई फाई, लेकिन सोमवार से जो ट्रिगर रहेंगे ना आपके, मंडे से जो ट्रिगर रहेंगे, दे आर टेक्निकली स्ट्रांग। ओके, तो वो ट्रिगर्स आपको पढ़ना है प्रॉपर वे से। लेकिन बैठे थे 20 लोग, हो रहे 16, तो ऐसा चलेगा तो आपका तकलीफ रहेगा। लेकिन मैं मंडे को सिर्फ वही लोगों को बैठने दूंगा जिसका पेमेंट हुआ है करके, नहीं तो नहीं बैठने देता मैं। क्लियर क्लियर? ओके, जब भी नए बैच में आएंगे उसमें क्लियर करवाता हूँ। हाँ बोलिए। सर वो अपना ये वेट डेटाबेस और बोलिए। जिससे के अंदर अब फॉल्स है। हाँ कर सकते हैं ना, पब्लिक ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। वो रहती है, उसकी आईडी रहती है, मैं बताऊंगा आपको। पब्लिक ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अभी आपने को वो रिकॉर्ड पब्लिक ग्रुप को शेयर करना है, कर सकते हैं ना हम लोग। ओके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। अच्छा हो गया, ये पॉइंट पूछा तो आपने, कर सकते हैं, मैंने आज ही किया था इसलिए मुझे याद है। पब्लिक ग्रुप में भी डाल सकते हैं हम लोग। अब ये रिकॉर्ड मुझे पब्लिक ग्रुप में डालना है, तो पब्लिक ग्रुप में 10 यूज़र रहेंगे, तो 10ों को दिखेंगे वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या जाता है, ये फ्री वर्जन होने के कारण क्या होता है, तकलीफ वही जाती है, समझ में आ रहा है, दिखता नहीं वो। ओके चलिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको। तो देखिए, तो कल आपको, कल या कल भी आपका क्लास रहेगा, कल भी एक नया ट्रिगर पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री वाला ट्रिगर पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन मंडे से बहुत स्ट्रांग ट्रिगर्स चालू होंगे, मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक आपको बहुत अलग लगेगा, ऐसा फील होगा, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार तक, कि हम लोग नहीं पढ़ना चाहिए, 3 महीने की मेहनत गई वाया, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वापस शुक्रवार से वापस अपन नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। नॉर्मल मतलब ज़्यादा टेंशन वाला कोडिंग नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा वहाँ पे कोडिंग। ओके, तो मंडे से अपन एवरेस्ट के लास्ट वाले सेशन में चल रहे हैं। एवरेस्ट आपका 21,000 स्क्वायर फीट, 21,000 फुट के ऊपर है ना, तो अभी हम लोग चल रहे हैं सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 फुट के ऊपर। मंडे से अपन जो चलेंगे ना, वो चलेंगे ऊपर, 16,000 के ऊपर चलेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ी तकलीफ जाएंगी। ओके
तो वो 4 दिन आपको एडजस्ट करना है, बाद में एक बार गुरुवार को एवरेस्ट में चढ़ने के बाद वापस डाउन ही आना है, तो डाउन के वक्त तुमको कुछ प्रॉब्लम जाएगा नहीं, उसके बाद खत्म होगी कोडिंग। इसमें टफेस्ट कोडिंग, तो देखो 4 दिन 10 दिन की जो कोडिंग रहती है सबसे टफेस्ट रहती है, और उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कैसे तुमको वर्क करवा लूंगा, वो मैं करवा के दूंगा, उसका लोड मत लीजिएगा। ओके, तो कल देखते हैं हम लोग, चलिए बाय बाय, बाय लेकिन सर, फीस आपको थैंक यू मेंटेन सर, करनी है आपको। गुड बाय, नाइट। गुड नाइट।